तो चलो यार, बहुत बेइज्जती कर ली अंग्रेजों की, है कि नहीं? हमने एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, हर जगह उनकी बेइज्जती की। और ठीक है यार, इतना तो हमारा हक बनता है, 200 साल राज किया और जितना कुछ देना चाहिए था उतना तो दिए नहीं, है कि नहीं? ट्रेड करने आए थे यार, ट्रेड करो, जाओ अपने देश, क्या मतलब है? लेकिन बहुत कुछ तो लेते गए। चलो एनी हाउ, इस वीडियो में, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, जो कुछ अंग्रेजों ने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री के लिए किया वो, एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दीज बोथ टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड कंसर्न। सो माई सेल्फ बाबा त्रिपाठी स्टैंडिंग ओवर हेयर टू क्लियर योर ऑल डाउट्स रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी। सो दिस इज आजाद क्लासेस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का? पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। याद रखना, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का पूछेगा एग्जाम में, और अगर पूछता है तो रोड्स और रेलवेज का जिक्र करना मत भूलना। पहले आते हैं रोड्स पे, रोड्स का कंस्ट्रक्शन से, हालांकि उन्होंने किया तो अपने मतलब के लिए था। क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े थे? दो पॉइंट्स, पहला आर्मी मोबिलाइज करने के लिए, याद आ रहा है, और दूसरी चीज कि रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सो रोड्स वेर कंस्ट्रक्टेड, सो दैट इज वाई द इंडियंस ऑल्सो गॉट बेनिफिट फॉर द बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बाय ब्रिटिशर्स। सेकंड इज रेलवेज, रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1853। ठीक है, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन किया जो नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग लाया, ब्रदरहुड का डेवलपमेंट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लॉन्गर डिस्टेंस की चीजों को रेलवे आराम से ट्रेवल करता है, और हमारे कुछ ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को रेलवे ने तोड़ा। सेकंड इज चेक ऑन फैमिन्स, फैमिन्स का मतलब होता है भुखमरी या ड्रॉट। तो सूखा पड़ने पे, चूंकि वी ऑल नो डैट हमारा एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर इज टोटली बेस्ड अपॉन इंडियन मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। ऑलराइट, ज्योग्राफी में आऊंगा तो मैं आपको निश्चित पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें। ठीक है, तो चेक ऑन फैमिन्स, फैमिन्स भुखमरी और ड्रॉट, सूखा चूंकि आ सकता है अगर भारत में अच्छी वर्षा नहीं हुई किस साल, तो रेलवेज और रोडवेज के अच्छे कंस्ट्रक्शन की वजह से वहां पे अनाज क्या है पहुंचाए जा सकते थे। थर्ड इज बार्टर टू मॉनेटरी सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है भाई? हमारा पुराना सिस्टम है कि नहीं, मुझसे आप गेहूं ले लो, आप मुझे चावल दे लो, दिस इज कंसिडर्ड एज अ बार्टर सिस्टम। सी टू सी इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैंकिंग में हम करेंगे, है कि नहीं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स और कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो ये सिस्टम हम बेसिकली अडॉप्ट करते थे, अंग्रेजों ने इसे मॉनेटरी सिस्टम में अडॉप्ट चेंज किया, यानी इन्होंने पेपर करेंसी हमारे इकोनॉमी में अडॉप्ट की। चलिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन इनका अच्छा था अंग्रेजों का, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को हमसे इन्हें क्या है सीखना चाहिए, हमें बिल्कुल इनसे सीखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। एक छोटा सा देश पूरे के पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पावरफुल थी, है कि नहीं? इंग्लैंड से पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन सिस्टम हमें इनसे जरूर सीखना चाहिए था, और आप बेसिकली आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया में हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट क्या? हमारे इंडिया में सती प्रथा, बाल विवाह, इन सारी जैसी चीज़ें होती थी जिसे कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने एंड किया, तो कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमें मिलते हैं। दोहराएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड रेलवेज, चेक ऑन फाइमेंस, वाटर टू मॉनेटरी सिस्टम, ओके, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल इम्पैक्ट। चलो लास्ट टॉपिक जल्दी से खत्म करते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज कॉलोनियल इकोनॉमी, कॉलोनियल वर्ड का मतलब समझिए। कॉलोनियल का मतलब होता है कि कोई भी एक वेल्दी नेशन किसी दूसरे नेशन पे जाके और अगर एक्सप्लॉयट करता है वहां के रॉ मटेरियल्स यूज करके, और अगर इनकम लाता है अपने देश में, तो दैट इज जनरली द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल। तो कॉलोनियल इकोनॉमी ये थे, क्योंकि हमारे इंडिया पे इन्होंने आया, शासन किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियोरी आपने, मैंने पढ़ाया हूं आपको, नहीं तो आप पिछले वीडियोस में मेरे देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने हमें पूरे तरह से कॉलोनियल बनाया। रॉ मटेरियल्स हमारे यहां से ले जाते थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, याद रखिएगा। सेकंड इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इज द रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। आपको याद आ गया होगा लैंड सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, है कि नहीं? किस तरह से अंग्रेज जमींदार और भारत के किसान तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी जैसे सिस्टम इन्होंने लगाया, लैंड सेटलमेंट, देयर वाज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज कॉल्ड लगान, विच इज जनरली इम्पोज्ड बाई ब्रिटिशर्स, और दैट वॉज इम्पोज बाय द ब्रिटिशर्स टू द जमींदार्स, दैट दे हैव टू गिव द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स टू द ब्रिटिशर्स, एंड जमींदार्स वेर गिवन द पावर टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द पुअर फार्मर्स, आइदर देयर इज अ गुड प्रोडक्शन और नॉट। नेक्स्ट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, डिस्कस किया हुआ है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी फॉर वेयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ रेट इज कंपैरेटिवली लो। सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी द ओवरऑल ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2% एंड ग्रोथ रियल आउटपुट वॉज 0.5% और इवन लेस देन दैट। बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? बैकवर्ड इकोनॉमी वो होती है कि बहुत समय तक यहाँ भी ग्रोथ रेट कम रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव ना कर पाए। कुछ फीचर्स बैकवर्ड इकोनॉमी के, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, है कि नहीं?
इनकम के जनरेशन बार बार न होना, आउटपुट का कम होना, ये सारे फीचर्स कुछ ना कुछ बैकवर्ड इकोनॉमी के हैं। डिप्लेटेड इकोनॉमी और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, डिप्लेटेड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड एसेट को आप रिप्लेस नहीं किए, देयर इज नो सच रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। और सेकंड वर्ल्ड वार में जो 1939 से 1945 तक हुआ था उसमें भारत के ट्रूप्स का बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो उस समय हमारी मशीनरीज को भी बहुत यूटिलाइज किया था और अपनी कैपेसिटी से बढ़ के इंडियन इंडस्ट्रीज की मशीनरीज वार गुड्स बनाते थे जो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। एंड लास्ट इज एम्प्यूटेड इकॉनमी। एम्प्यूटेड इकॉनमी इज डेट इकॉनमी जनरली वेयर द गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल इज प्लेड। और ये अंग्रेज इन गेम में बहुत ही माहिर थे। अगर आपको हिस्ट्री याद हो तो 1905 में देर वॉज अ डिविजन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन किया था अंग्रेजों ने, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया था वहाँ पे। और इसके बाद बहुत समय बाद जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो इंडिया पाकिस्तान को भी बंटवारा करने में इन्हीं का सहयोग था। तो डिवाइड एंड रूल का गेम ये बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं भारत के कल्चर पे, भारत के कास्ट पे, भारत के रिलीजन के बेसिस पे, जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा देता था। और आज हम आज के समय में भी उसको हम क्या है कहीं ना कहीं क्या है झेल रहे हैं। तो चलो हमने इस चैप्टर को खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने सेकंड चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। एक बार कंक्लूजन चैप्टर का देखिए। ओवर 200 इयर्स ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड इन अवर कंट्री एंड दे हैव जस्ट प्रूव्ड द इंडियन इकोनॉमी एज अ बैकवर्ड, एज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एज अ लो लेवल प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी। एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं होने दिया, सरप्लस लेबर था लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ, जमींदारी सिस्टम वॉज द कॉज, कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर वॉज द कॉज। सेकंड था इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को कभी भी इन्होंने इंडिया में आने ही नहीं दिया, वही पुराने इंडस्ट्रीज को लगाया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कहाँ किया, अपने इंग्लैंड। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट वर ऑल्सो डन। फॉरन ट्रेड की बात करिए, आधे से ज़्यादा फॉरन ट्रेड इनके यहाँ रेस्ट्रिक्टेड थे, उसको भी एक तरह से मोनोपोली कंट्रोल लिया था। डेमोग्राफिक कंडीशन 218 वॉज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यू कैन इमेजिन फ्रेंड्स, डेथ रेट भी ज़्यादा थी। तो ये सारी कहीं ना कहीं समस्याएं रहीं जिससे डेमोग्राफिक कंडीशन भी अच्छी नहीं रही। एंड लास्ट वॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो 75% से भी ज़्यादा लोग इंगेज थे एग्रीकल्चर में। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, वो भी इन्होंने अपने मतलब के लिए किया। सो गाइज, दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर विच हैड स्टडीड बाई मी, और मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको सारे टॉपिक्स पहुँचाने की जो आपके बोर्ड्स में हेल्प करें। सो इफ यू लाइक मी एंड लाइक माई अ वे ऑफ टीचिंग, सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉरवर्डिंग माई चैप्टर, एंड आई विल बी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँगा फिर सेकेंड चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, और नोट्स जरूर बनाना। धन्यवाद।